Hi guys and welcome back to the channel. ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जहां आपको गाइड करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है कि आप कॉलेज में ऐसा क्या करो कि एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स या फोर इयर्स आपका आउटकम एक सक्सेसफुल आउटकम हो हो सकता है आप अपने आप को किसी अच्छी जॉब किसी अच्छे पैकेज अच्छे एम कॉलेज या फॉरन के किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए देखते हो आपका ऑब्जेक्टिव चाहे कुछ भी हो आज मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि आप कॉलेज में क्या कर सकते हो जिसके कारण आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओ सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है पर्सनालिटी चेंज जब हम स्कूल में होते हैं तब हमारी कोई जैसे होंगे आप कॉलेज में अपनी उस इमेज को अगर चेंज करना चाहो यू कैन वेरी वेल डू दैट बिकॉज आपको एक क्लीन स्लेट मिलती है यू कैन स्टार्ट फ्रेंड हुआ करता था जो कि काफी अनफिट था प्लस उसकी ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी लेकिन जब वो कॉलेज के बाद हमारी स्कूल के एक रीयूनियन पे वापस आया वी वर ऑल वेरी टू सी हिम ही नॉट ओनली लुकिंग फिट हेल्दी बट ही लुकिंग वेरी स्मार्ट लाइक ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा था सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी लेकिन आप इंटरनली भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जैसे स्कूल में मेरी एक फ्रेंड होती थी, थी जो थोड़ा स्लाउट करके चलती थी मतलब अपने शोल्डर्स को बेंड करके प्लस उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी लेकिन जब वो कॉलेज में गई

डेवलपमेंट की क्लासेस भी आती हैं बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तो वो भी टेकअप कर सकते हो द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज टू ट्राई ऑनटरप्रीनोरशिप ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप जीरो कॉस्ट पे स्टार्ट कर सकते हो ड्यूरिंग योर कॉलेज आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आप बस शुरू करो जब मैं अपने कॉलेज में थी तो मैंने एक फेसबुक पेज बनाया इस पेज पे मैं बहुत सारी इंटर्नशिप शेयर किया करती थी मान लो इंटर्नशाला पे पे कोई इंटर्नशिप इंटर्नशिप आई तो मैं HR को रीच आउट करने के बाद वो अपने पेज भी पब्लिश किया करती थी ताकि स्टूडेंट्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच पाए मैंने अपने कॉलेज के पहले पूरे साल में ये एक्सरसाइज कैरी आउट की थी और इस पेज पे ऑलमोस्ट वन थाउजेंड लाइक्स के आसपास हो पाए थे उससे ज्यादा नहीं बट मेरे लिए वो पूरी जर्नी से सीखना वॉज अ ट्रमेंडस एक्सपीरियंस ऐसे ही और बहुत

किसी को फाउंडर को ढूंढना हो या इवन किसी कॉलेज के लिए गाइडेंस चाहिए हो फॉर एवरी थिंग यू कैन कनेक्ट विद पीपल ऑन आप में से बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स हो जिनको लगता होगा कि हम इतने अच्छे से लोगों के साथ बात नहीं कर सकते तो हमें नेटवर्किंग में इशू आता है लेट मी टेल यू मैं खुद भी इंट्रोवर्ट हूँ कॉलेज के समय मुझे भी ऐसे ही लगता था लेकिन जब आप नेटवर्किंग करना शुरू करते हो तो हमेशा वन ऑन वन नेटवर्किंग करो मैंने अपने कॉलेज टाइम में इतने सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेजी थी आधे से ज्यादा लोगों को मैं अपने नेटवर्क में जानती भी नहीं हूँ बट हाउ दैट इज हेल्प मी इज कि जब मुझे किसी भी कंपनी के किसी पर्सन को रीच आउट करने की जरूरत पड़ती है आई जस्ट हैव टू टाइप दैट कंपनीज नेम ऑन लिंक्डइन एंड बहुत सारे लोग जो मेरे नेटवर्क में ऑलरेडी हैं मैं उनको रीच आउट कर पाती हूँ सेकेंडली जब आप किसी से भी कनेक्ट करते हो कि आप उनको क्वेश्चन पूछो उनकी कंपनी के बारे में उनके रोल के बारे में अगर आपको हेल्प आप करेंगे अगर आपका वो रिलेशनशिप बिल्ट होगा एक टिप मैं आपको यहाँ पे देती हूँ हाउ यू कैन कनेक्ट विद पीपल दैट यू वॉन्ट टू लेकिन शायद वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना कर रहे हो सबसे बड़ा तरीका होता है उनकी पोस्ट के साथ एंगेज करना जब मेरी पोस्ट पे चाहे

इट वॉज बाई हिट एंड ट्रायल मैं बहुत सारी चीजें करती रही देन एक चीज ऐसी आई जिसको करने में मुझे मजा आ रहा था एंड दैट्स वन आई रियलाइज की दिस इज वॉट आई वुड लाइक टू डू हर पर्सन को इसी तरह से समझ आता है the only difference is, कुछ लोगों को जल्दी पता लग जाता है कि ये वाली चीज पसंद है और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चीजें करके देखना पड़ता है देन दे रियलाइज कि उनको ये पसंद है अनलेस यू गो थ्रू द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक यू विल नेवर गेट टू नो वॉट यू लाइक सो जब आप सुनते हो ना लोगों को कि कॉलेज में इंटर्नशिप्स करो कोर्सेज करो कॉम्पिटिशन में पार्ट लो All of that is helping you explore कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो सो वॉट आई आप अपने कॉलेज में explore करते इस कॉन्टेक्स में आपको मैं एक पर्सन so एक एक बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में जैसे ही ऑपरचुनिटी आती है उसको जम्प करके ग्रैप कर लेता हूँ तो उसके सामने जो पर्सन होता है वो पूछता है बट आपको पता कैसे लगता है कि ऑपरचुनिटी कब आती है ही सेट कि मैं अपॉर्चुनिटी की वेट ही नहीं करता मैं जंप करता ही रहता हूँ ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी आए मैं उसको ग्रैब कर लू डेट इज एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क्स यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग यू कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर अंटिल यू रियलाइज कि दिस इज दर्चुनिटी दैट इज मेंट फॉर यू विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो आई ट्रूली होप कि आपकी कॉलेज की जर्नी बहुत ही बढ़िया रहे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर कॉलेज लाइफ और एनी अदर देन दैट लेट मी नो इन दॉमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड थैंक यू So much for watching this guys and see you the next time